नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर में वर्षों बाद भी नल जल योजना से पानी नहीं मिलने और धांधली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आज तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है। जब इस पर वार्ड सदस्य से पूछा जाता है तो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता है। देखिए, समस्तीपुर में वर्षों बाद भी नल जल योजना से पानी नहीं मिलने और व्यापक धांधली और गड़बड़ी से ग्रामीणों में आक्रोश है। समस्तीपुर जिले के रोसरा अनुमंडल के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मंगलगढ़ पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 9 के सरहचिया गांव में वर्षों बाद भी मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना नल जल योजना का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि एक वर्ष पहले ही वाटर टावर का निर्माण मानक के अनुरूप में नहीं हुआ है और ना ही बोरिंग भी सही से गाड़ा गया है। एक वर्ष से ज्यादा हो गया लेकिन आज तक किसी के दरवाजे पर नल नहीं लगा है। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि तमाम गड़बड़ी की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी की गई लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब की जानकारी मिलते ही पत्रकारों की एक टीम उक्त पंचायत पहुँच जानकारी ली तो गड़बड़ी साफ नजर आई। योजना के बारे में जब वार्ड सदस्य से पूछा गया तो जवाब मिला कि योजना के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। वही जब पत्रकारों ने वार्ड सचिव राजेंद्र साहनी से योजना के बारे में पूछा तो पत्रकारों पर भड़क गए और पत्रकारों के साथ अभद्रता करने लगे और उल्टे पत्रकारों को धमकाने लगे और कहने लगे कि जहां शिकायत करना है कीजिए, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे साफ होता है कि प्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक इस भ्रष्टाचारी में संलिप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। मुकेश जी, कुछ कहेंगे नल योजना के बारे में? पानी मतलब ये कब से खड़ा हुआ है? दो साल हो गया अभी तक, अभी तक नहीं चला है, 8-9 और दोनों में। अच्छा, उसके बाद जो है पाइप जो है घटिया लगा दिया है। 6 इंची पर पाइप डाला था, उस पर हम लोग ग्रामीण रुके हैं तो फिर से उखाड़ के गाड़ा है। और 400 फीट पर गाड़ना चाहिए तो 200 फीट पर गाड़ा है। बोलिए, सचिव कौन है? सचिव नहीं पता है, नहीं पता नहीं। जिस समय 200 फीट पे गाड़ रहा था उसमें आप लोग तो आरोप किए होंगे ना, लगाए होंगे ना कि 200? हम लोग को नहीं पता था कितना पर होना चाहिए, उसके बाद पता चला कि 400 फीट पर बोरिंग होना चाहिए। बॉर्डर नहीं? नहीं, बॉर्डर कुछ नहीं लगाया। तो यहाँ पे जो वार्ड मेंबर आए थे आप लोग, ये जो यहाँ नल जल योजना का जो लगाने के लिए, आप लोग से पूछे होंगे ना यहाँ पे बना? उससे पूछे तो बोले हमको पता नहीं है कितना पर होना चाहिए। नहीं, वार्ड मेंबर को नहीं पता है कि आप लोग को नहीं पता है? नहीं, वार्ड मेंबर को नहीं पता है। वार्ड मेंबर को नहीं पता? नहीं, काम वार्ड मेंबर का माध्यम से हो रहा है, उनको पता ही नहीं कितना होना चाहिए। हम लोग पूछे कितना पर होना चाहिए, इसका लिस्ट कहाँ है, तो बोले हम लोग को नहीं पता है। दो नंबर है, दो नंबर ईट से इसका जुड़ा कर प्लास्टर हुआ है, सबसे घटिया काम यहाँ हो रहा है। 2 साल हो गया अभी तक रोड छोड़ के छोड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। कितने योजना है पता है? ग्रामीणों को तो यानी वार्ड में जो आंख है जो रही छे न्यूनतम कहना चाहिए कि हमारा घर पर नहीं पहुँच लेना चाहिए, नल आर नहीं अल सही नहीं लगे, नल नहीं चालू छे, काम चालू छे। ग्रामीणे तो आदमी नहीं चनो दे जो नहीं खोते, जो पिए खोते ले मुंह तो हमें की करे। सूचना दलिए आगे तो दल छे सूचना जे जहाँ जहाँ जना अड़चन हो जाए छे तो ओने पाइप हम केना देवे लसी बैठिये, आ बैठला के बाद हमरा मारल तैयार तो हम केना मारि खइये। वार्ड में कहाँ तक पाइप लाइन के काम हो गेलै? पाइप लाइन के काम थोड़के बचल छे आर पूरा बहुत दूर है, टूटी लाइन बहुत दूर है, सब घर घर लग गेलै। कते पैसा निकासी कर लिये? कहलौ तो हमरा नहीं मालूम। आप सचिव है ना आप यहाँ के?
अरे वो तो टेस्ट करने वाला है, आप टेस्ट कीजिए, आप रिपोर्टर है तो आप जाकर टेस्ट कीजिए, आप रिपोर्टर है तो आप जाकर टेस्ट कीजिए, रिपोर्टर है तो रिपोर्टर का काम आप जाकर टेस्ट कीजिए, आपको पता है ना कितना दे रहा है, हमको पता क्या नहीं है, आप जाकर टेस्ट कीजिए, कितना गहराई है, आप टेस्ट करने के लिए आए, आप टेस्ट कीजिए, हम टेस्ट करने के लिए नहीं आए, तो आप क्या करने के लिए आए, आप कितना तक किए हैं, जनता का आवाज सुनो, सुनाइए जनता को, आप कितना तक किए, आप कितना तक किए हैं वो तो बता सकते हैं भाई, आप हम कितना में कराए हैं नहीं कराए हैं वो जाकर के आप टेस्ट कीजिए, भाई आप हम कितना में कराए हैं नहीं कराए तो जनता का कहना है तो जनता को प्रभारी के लेकर टेस्ट करवाइए, आप कहना क्या चाहते हैं, हम तो यही आपका विरोध कर रहे हैं, हमका विरोध करता है तो करने दीजिए, आप अपना करवाए हैं या नहीं करवाए, हम क्या कराए हैं, ऊपर भारी आकर टेस्ट करेगा, कितना है नहीं है, कितना का योजना था ये, 13 लाख का है, कुछ कम बेस होगा जो होगा, कितना दिन पहले शुरू हुआ ये योजना, 1 साल शुरू हुआ, 1 साल में पूर्ण नहीं हुई, वजह काम चल रहा है, कितना दिन और चलेगा काम, काम चल ही रहा है, काम खत्म होगा तो क्लियर हो जाएगा, सबके दरवाजे तक पाइप चल गई, जाकर देखिए वहाँ पता लगाइए, जो जनता में जनता से जब पता लगाइए, वो तो हम लोग करिए, वहाँ तो जाइए कीजिए, वहाँ तक बात दिया नहीं दिया जाकर जनता में जाइए, जी धन्यवाद। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार, डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।